उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, व्यापारी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापारियों का समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। धामी ने कहा, व्यापारी वर्ग के बिना उत्तराखंड के विकास का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाजपुर रोड रामपुरम कॉलोनी में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का उद्घाटन कर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, व्यापारी का देश और राज्य की अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय शक्तियों की रीढ़ होने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यापारी वर्ग के बिना उत्तराखंड के विकास का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो वित्तीय चक्र है, उसकी रीढ़ का काम है। और रीढ़ के साथ साथ सच्चे रूप में ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत आप सब व्यापारी भाई हैं। जब भी हम समाज, प्रदेश या राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो हमारे व्यापारी वर्ग का योगदान उसमें अवश्य समृद्ध होता है, क्योंकि कोई भी विकास हमारे व्यापारी भाइयों के बिना संभव नहीं होता है। आज भी हमारा देश जहां पहुंचा है, अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें, तो जिस समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब से लेकर आज तक देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान हमारे व्यापारी भाइयों ने। व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है और देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। ये मैं कह सकता हूँ, अभी हमने हमारे अनिल गोयल जी यहाँ बैठे हैं, दो दो सम्मेलन इन्होंने पिछले दिनों वहां करवाए थे हरिद्वार में और देहरादून में। मुझे दो व्यापारी भाइयों के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था, उसमें भी मैंने कहा था कि व्यापारियों ने हमेशा, अभी वर्मा जी कोरोना की बात कर रहे थे, उस समय भी हमारे व्यापारी भाइयों ने हमेशा आगे आकर हर जगह अपनी जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार वो खड़े हुए। व्यापार उद्योग के समय में व्यापार उद्योग करने वाले हमारे देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, छोटे संस्थान हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, हर किसी ने कोरोना के समय में देश की जरूरत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए आगे आकर हर संभव प्रयास किया। और कोरोना का जो सबसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे देश के अंदर हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमारे व्यापार और उद्योग जगत की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।